तो रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट के अंदर किस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं ये बिल्डर तय करता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट तय करता है जो बिल्डर के तरफ से काम कर रहा होता है, यानी कि वो उसके फेवर में काम कर रहा होता है, आपके फेवर में नहीं, सोसाइटी के फेवर में नहीं। तो आप अगर डेवलपमेंट एग्रीमेंट को एक बार आराम से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सोसाइटी ने, आपके सोसाइटी के मैनेजिंग कमिटी वालों ने आपको ही दुश्मन समझ के कई सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दिए हैं जो आपको काबू में रखने के लिए हैं, न कि बिल्डर को काबू में रखने के लिए। यानी बिल्डर को पूरा छूट दिया जाता है, सोसाइटी के हित में और उसकी सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी लेना जरूरी है और एडिक्वेट अमाउंट की बैंक गारंटी लेना जरूरी है, जिससे अगर बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं किया तो बैंक गारंटी को इन्वोक करके वो पैसे निकाल के आप, आपका सोसाइटी, आपका मैनेजिंग कमेटी बिल्डिंग को पूरा कर सकता है। इसलिए बैंक गारंटी को लेना जरूरी है। लेकिन होता यह है कि बिल्डर किसी तरह से सोसाइटी को कन्विंस कर देता है कि देखो बैंक गारंटी अगर लेते हो तो मैं आपको इतने बेनिफिट्स नहीं दे सकता हूं, वगैरह वगैरह। या फिर वो कहता है बैंक गारंटी के लिए मेरे पास अगर पैसे रोकने के होते तो मैं रोकता, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ कह के या तो वो बैंक गारंटी वाला क्लॉज हटवा देता है, बैंक गारंटी न हो उस तरह से काम करता है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो कहता है बैंक गारंटी को रिड्यूसिंग बैलेंस वाला बैंक गारंटी करते हैं। नहीं, बैंक गारंटी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को डाइल्यूट कर देता है। तो इससे होता यह है कि जैसे जैसे बिल्डिंग बनते जाता है वैसे वैसे बैंक गारंटी कम होते जाता है स्लैब वाइज। अब होता यह है कि उसने जिस तरह से ड्राफ्ट किया है तो उसने अगर आधा अधूरा बिल्डिंग भी बनाया तो आपके हाथ से बैंक गारंटी निकल जाता है, आपके पास बैंक गारंटी नहीं रहता है। और अगर रहा भी बाय चांस तो आपकी जो सोसाइटी है, मैनेजिंग कमेटी है, वो किसी भी सूरत में बैंक गारंटी को इन्वोक नहीं करना चाहती है, वो बिल्डर से दुश्मनी नहीं बरतना चाहती है, वो बिल्डर से प्यार मोहब्बत और दोस्ती के साथ ही आगे बढ़ना चाहती है। अब बिल्डर चाहे आपके सोसाइटी के साथ दगाबाजी करे और बिल्कुल ही गलत तरीके से व्यवहार करे तो भी आपका सोसाइटी के जो मैनेजिंग कमेटी वाले हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन बिल्डर के अगेंस्ट नहीं होंगे, जब तक कि पानी सर के ऊपर से नहीं गुजर जाता है। और जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है तो ये लोग कहते हैं अरे सर अब हमें कोर्ट केस करके क्या फायदा है। अगर पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो हो सकता है कि आपका जो सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी है वो आपके सामने आएंगे ही नहीं।